फाजिलका दे भगवान परशुराम मंदिर दे विच श्री ब्राह्मण सभा वल्लों आयोजित किया गया कार्यक्रम भगवान श्री राम अते सीता जी दी विवाह दी वर्षगांठ मनाई। इस दे नाल ही दित्ती गई श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं श्रद्धांजलि। फाजिलका दी ब्राह्मण सभा वल्लों अज भगवान श्री परशुराम मंदिर दे विच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस दे विच इत्थे शिव सेना बाल ठाकरे शिंदे ग्रुप दे आगू भी पहुंचे। इस दे नाल ही डेरा बाबा बलवंत गिरी दे गद्दी नशीन संत सुरेंद्र गिरी जी महाराज भी इस मौके पर विशेष रूप में पहुंचे, जिन्हों वालों इतने प्रवचन दिए गए। जानकारी देते हुए श्री ब्राह्मण सभा के प्रधान श्री रामचरण शर्मा ने दसा कि फाजिलका के भगवान श्री परशुराम मंदिर के श्री ब्राह्मण सभा वालों कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दे शहर वासी भाग लै रहे हैं। उन्होंने दसा कि इस मौके पर भगवान श्री राम अते सीता जी के विआह की वर्षगांठ मनाई जा रही है और श्री गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी वालों हिंदू पंडितों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी गई थी, जिसके चलते अज उन्होंने इतने नमन किया जा रहा है। इस दे नाल ही भगवान श्री राम अते सीता जी की विवाह की वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अज के दिन भगवान श्री राम अते सीता जी का विआह होया सी, जिसके चलते इतने प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर साल एक कार्यक्रम इतने आयोजित किया जाता है, जिसके ब्राह्मण सभा के नाल नाल शहर वासी भी भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि फाजिलका दे विच लोगों के अंदर धर्म के प्रति आस्था जगाने उद्देश्य के नाल इहदे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर होर भी ब्राह्मण सभा के आगुआ वालों अपने विचार रखे गए। मैं प्रधान फाजिलका ब्राह्मण सभा रामचरण शर्मा इस प्रांगण के विच भगवान परशुराम मंदिर के विच आज हमने एक कथा का आयोजन किया था। प्रवचन वगैरह है हमारे अभिराज जी तो प्रेम से चंदन भी बोलते हैं उनको, उनके हमने वो प्रवचन वगैरह देने आए हैं और उसके साथ संत लोग और बाकी जो शहर के निवासी हैं वो भी आए हैं। इसमें क्या है कि जो आज का जो आयोजन रखा हुआ है ये भगवान सीताराम जी का विवाह उत्सव उसके उपलक्ष्य में और गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है उसको मनाने के लिए आज का आयोजन रखा हुआ है। तो इसमें मेरे जो ब्राह्मण समाज के और दूसरे जो शहर के भक्तजन वो सभी यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं उन सब का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि ऐसा ही कि सीताराम जी का जो विवाह का उत्सव हम शहर में यहाँ अपने मंदिर में मनाते रहे और जो गुरुदेव बहादुर जी का जो बलिदान है उनको भी हम नमन करते हैं और उनको हम हमेशा याद करते हैं और इसी दिन और उनको भी हम ये पुष्पांजलि ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं रुपेश बांसल जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में आके हमें कृतार्थ किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज भगवान परशुराम मंदिर दे विच भगवान राम ते सीता जी का शादी समारोह के उपलक्ष्य दे विच एक कथा आयोजन किया गया। मंदिर की तरफों बहुत भव्य प्रोग्राम अज हो रहा है और भगवान परशुराम के जोड़े मैंबर जन ने प्रधान जी ने उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, असं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कथावाचक अभिराज चंद्र शर्मा जी कथा कर रहे हैं और अज का जोड़ा दिन है बहुत ही व्डा दिन है और अज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस भी है, उस उपलक्ष्य के भी परशुराम मंदिर तरफों ये आयोजन किया गया। धन्यवाद सर। मैं फाजिलका दुष्यंत कुमार। आज रविवार के दिन जैसे पता लगा कि ब्राह्मण सभा में हमारे बड़े भैया विक्रम शर्मा जी के लड़के चंदन शर्मा जी के भागवत के बारे में चर्चा चल रही है, भागवत तो उसके बारे में हमें चाहिए सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे नवयुवकों को बच्चों को आगे आना चाहिए और आगे इसको आगे दिन रात प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चों को सीख मिले और सनातन धर्म में यह बहुत ज़्यादा
महत्व रखता है, क्योंकि आने वाले बच्चों को संस्कार ऊपर से नहीं आएंगे, ना कोई खरीद सकता है, संस्कार हमारे बच्चों में हम ही पैदा करेंगे हमारे। और यही आज का विषय है कीर्तन कराने का, आज विषय है कीर्तन कराने के, लोगों को तक संदेश जाए, और एक तो ब्राह्मण सभा का विषय ये भी लोगों में ज्ञान को बांटना है। और आज गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान दिवस था जो मनाया जाता है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस डे ना मनाया जाए, और उसके उपलक्ष्य में जो बलिदान दिवस है उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। और गुरुद्वारों में मंदिरों में सभी एक जगह है, एक ही चीज़ है, बाकी जो अलग धर्म रखाने के बारे में विषय कर रहे हैं वो बहुत गलत है।